नमस्कार, करते हैं शुरुआत एनबीसी न्यूज की खबरों के साथ। जानेंगे देश विदेश की खबरें एक साथ। जबरदस्त क्रॉस वोटिंग, विपक्ष में बड़ी सेन, बीजेपी का सटीक दांव। द्रौपदी मुर्मू की जीत के पीछे रंग लाया वोटों का गणेश। हर राज्य से मिले लगभग सभी वोट। लोकतंत्र को खत्म करने की मंशा नहीं होगी पूरी। सोनिया गांधी को ईडी कार्यालय बुलाने पर भड़के कांग्रेसी, तो कहीं हुए गिरफ्तार भी। महंगाई में हो रही जीएसटी की धुआंधार बैटिंग, हर महीने चौके छक्के की बौछार। नागपुर जोन अच्छी रिकवरी रेट में। मनपा चुनाव, अब आचार संहिता की घोषणा का इंतजार हुआ खत्म। अंतिम मतदाता सूची हुई घोषित, नियमों के अनुसार होगी प्रक्रिया पूरी। संसद में मानसून सत्र का है आज पांचवा दिन, विपक्ष का हंगामा लगातार जारी। लाखों स्टूडेंट्स का इंतजार हुआ खत्म। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन यानी कि सीबीएसई इंटरमीडिएट ट्वेल्थ बोर्ड ने नतीजों का किया ऐलान। भारत में पिछले 24 घंटों में कोरोना की 21,880 केस, तो वहीं 60 लोगों ने गवाई जान। तेजी से फैल रहा है देश में कोरोना, अस्पतालों में भर्ती होने वालों की संख्या बढ़ी। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचे गोल्डन बॉय ओलंपियन नीरज चोपड़ा ने अमेरिका की यूजिन में चल रहे वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में मचाया धमाल। चैंपियनशिप के फाइनल में ही पहली बार में कर दिया खुद को क्वालिफाई। टी20 वर्ल्ड कप में पहले अफ्रीका के खिलाफ सीरीज खेलेगी टीम इंडिया, सामने आया शेड्यूल। और अगले सप्ताह से शुरू होगा त्योहारी सीजन, भक्ति पर भारी पड़ेगी महंगाई, 20% तक बढ़ जाएगा माल भाड़ा।